Don't forget to subscribe Hum Television YouTube channel and hit the bell icon. Thank you. Wafa kar chale. Acha sorry mind kyun kar rahi ho? Wo mujhe na bahut buri aadat hai sach bolne ki. Ye sach nahi hai Sajjad. Yahi sach hai Janeman. Tumhe kya pata? Tumhe bilkul andaaza hi nahi hai ki mami ne kaisi kaisi sharait rakhi thi इस रुखसती से पहले. अस्सलाम वालेकुम पप्पू. वालेकुम अस्सलाम. कैसा रवैया था तेरी सास का? मुंह तो नहीं बनाया हुआ था उन्होंने? अम्मी, मामी की तो हवा ही बदली हुई है जब से हमें समझाना मिला है. लेकिन कोई बात नहीं, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें. वो तो मैंने रुखसती वाले दिन ही देख लिया था. भाभी साहिबा का तो बस नहीं चल रहा था कि समधन के पैरों में बिछ जाए. चिल कर अम्मी, कोई बात नहीं. अब लो, मैं भूल ही गई बताना बातों बात. वो बैंड वाले की कॉल आ रही है बार बार, पैसे मांग रहा है अपने 10,000. तो मैं कहां से दूं? बेवकूफ, तुझे कौन कह रहा है देने को? किसी तरीके से मना ना उसे, सलामी के पैसे निकलवा उससे. ये तो मैंने सोचा ही नहीं. बहुत तेज है आप ऐसे. तेरा दिमाग ना काम करना बिल्कुल बंद हो गया शादी के बाद. ऐसे कैसे गुजारा होगा? मम्मी एक ही चीज भूला हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा. चल अब जाओ जल्दी से पैसे लेकर. उधार मांगने वालों ने जान अजाब पे की हुई. जाता हूँ. बहुत खूबसूरत लग रही है. आपको अच्छे से कपड़े पहन लो, अर्शी के वलीमे पे जाना है. हमें किसी ने इनवाइट थोड़ी किया है. बिल्कुल किया है. कल ही अर्शी की सास ने अम्मी को इंसिस्ट किया था कि हम सब ने आना है, इसलिए तुम जल्दी से तैयार हो जाओ. हाय, तुम्हारी यही बात ना मुझे बहुत अच्छी लगती. कहना फौरन मानती हो तुम. अच्छा डार्लिंग, थोड़ा सा कैश होगा तुम्हारे पास? कैश? हाँ, वो बैंड वालों को पैसे देने हैं और मेरे पास तो अभी जॉब है नहीं, तो सोचा तुमसे थोड़ा सा उधार ले लेता हूँ. सजाद, पैसे तो नहीं है मेरे पास. पैसे नहीं? सलामी के पैसे कहाँ गए? वो मैंने अम्मी को दे दिए पैसे, उन्हें जरूरत थी. क्या, तुमने सलामी के पैसे मामी को दे दिए? I'm so sorry सजाद, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, वरना मैं नहीं देती. मना किया था ना, अपनी माँ के हाथों एक्सप्लॉइट मत होना. बात समझ नहीं आती तुम्हें? सजाद, वैसे सजाद मुझे पैसे चाहिए. अब चाहे तुम अपनी माँ से लेकर आओ या किसी और से. सजाद मुझे दर्द हो रहा है. सजाद, 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 क्या कर रहा है ये? छोड़ो, छोड़, पागल हो गया क्या? जा यहाँ से. क्या वो फोन नहीं उठा रहा सज्जाद? क्यों बार बार उसको फोन कर रही हो? हाँ, अरे लानत भेज दो अगर फोन नहीं उठा रहा है तो. उसको बताओ कि तुम इतनी गिरी पड़ी नहीं हो. क्या बात कर रही हो सादिया बेगम, दो दिन हुए नहीं है उनकी शादी को, उनमें झगड़ा हो गया है. उसे तसल्ली देने के बजाय ऊपर से तुम पता नहीं. कोई झगड़ा नहीं हुआ है, उसने सीधी सीधी तलाक की धमकी दी है. आप अभी अपनी बहन को फोन करें और उसको बता दें कि वो क्या तलाक देगा, हम खुद खुला लेते हैं.
अम्मी आप बार बार क्यों तलाक की बातें करी, देख नहीं रही उसके तेवर? कुछ नहीं हुआ उसके तेवर को, परेशान है बस। तुम दोनों माँ बेटी तो बस बात का पतंगड़ बना देती हो। तो किस चीज पे परेशान है? हम बैठे हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। परेशान है? मार क्यों रही अम्मी? तो और क्या, तुझे 7 तोपों की सलामी दूं? क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहा है तू? आप ही ने तो कहा था बीवी पर रोब जमा कर रखो। अल्लाह सजाद, कैसे समझाऊं तुझे मैं? नौशी है अभी नहीं नहीं, और भाभी से हमारी दुश्मनी है पुरानी। अब देखना देखना तू कैसे नाक से लकीरें खिंचवाएगी वो। और भूल जा नौशी की वापसी तो तू भूल ही जा। कैसे नहीं भेजेंगे वो? मेरी बीवी को मेरी मर्जी के बगैर कैसे रख सकते? सब बिगाड़ दिया, सब बिगाड़ दिया तूने सजाद। मुझे तो अब समझ नहीं आ रही होगा क्या आगे। आप फिक्र ना करें, अभी लेकर आता हूँ उसको मैं। बैठ जा खामोशी से यहाँ, और खबरदार जो तूने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो अब मुझे ही देखना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। सांप के मुंह में जैसे छिपकली आ गई, और ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। मुसीबत। और तुझे भी कितना समझाया था कि हाथ जरा हल्का रख। रेली सजाद भाई ने आप ही को सीधी तलाक की धमकी दे दी? शादी के शुरू में ही ऐसे मसाइल। वैसे ये वही सजाद भाई है ना जिनके लिए आप ही ने आपको नाराज किया था? कुछ लोगों को अपनी नियत का फल बहुत जल्दी मिल जाता है, जैसे कि आप ही। अच्छा चलें जहीब, आगे मैं बाद में बात करती हूँ। आप मामा से बात कर रही थी? जी वो कुछ परेशान थी इसलिए बात करना चाह रही थी। कैसी परेशानी? वो आप ही और सजाद भाई के झगड़े शुरू हो गए हैं, और उन्होंने आप ही को तलाक की धमकी दे दी है। You know that's strange. कोई अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स शेयर करने वक्त इस तरह नहीं हंसता जैसे तुम हंसी। और कोई दूसरों के लिए अपनी वाइफ से ऐसे आर्ग्यू भी नहीं करता जैसे कि आप कर रहे हैं। ये तुम हर बात पे इतना हाइपर क्यों हो जाती हो? आपको पता है मुझे कौन सी बात बुरी लगती है? ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? कोई बात है क्या? कुछ नहीं अम्मी, सर में दर्द है। मैं जानती हूँ कि तुम सजाद के मैसेजेस की टेंशन ले रही हो। अगर ऐसे करोगी तो वो तो तुम्हारा खून पी जाएंगे। मुझे कोई परेशानी नहीं है अम्मी। अच्छी बात है, मजबूत रहो। अगर इतनी टेंशन अभी से लेनी शुरू कर दी तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो नौशी के ससुराल वाले आए हैं उसे वापस लेने। कौन कौन आया है? जैतून फुफो, और वो रो रो के ना अब्बू को इमोशनली ब्लैकमेल करी। आप जल्दी से चलें। तुम्हारी फुफो की तो मैं अभी जाके क्लास लेती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? कोई जरूरत नहीं है अपनी सास के सामने आने की। मैं खुद बात करूंगी उस औरत से। कॉफी? थैंक यू मैडम। क्या बोरियत है, मैं यहाँ आपसे बात करने आई हूँ और आप हैं कि लैपटॉप में लगे हुए। यार एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पे काम कर रहा हूँ। तुम ऐसा करो मामा के पास चली जाओ या कोई फिल्म देख लो। आप कब फ्री होंगे? मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो क्या आप रूम में नहीं आएंगे? मैंने बताया है इट्स अ लेंथी वर्क तो टाइम लग जाएगा। ये सही बहाने है मुझसे जान चढ़वाने का? वरना कौन सा हस्बैंड शादी के तीसरे दिन यूं लैपटॉप में लगा रहता है? अर्शी तुम फिर से मिसअंडरस्टैंड कर रही हो।
मैं शादी से पहले भी ऑफिस के काम घर से ही करके जाता था। मुझे तो नहीं लग रहा आप कोई काम कर रहे, मुझे तो लग रहा है आप अपनी नाकाम मोहब्बत का सोग मना रहे। ऐसी फजूल बातें करने से बेहतर है प्लीज तुम वापस चली जाओ। भाभी मैं आपसे सज्जाद की गलती की माफी मांग तो रही हूं। नहीं, गलती हमारी थी जो हमने अपनी बेटी की रुखसती तुम्हारे बेटे निकम्मे सज्जाद से कर दी। मुझे तुम ये बताओ कि उसमें आखिर अकड़ किस चीज की है। गलतियां तो हो जाती हैं इंसान से, और यकीन करें वो तो बहुत शर्मिंदा था अपनी गलती पे और आना जा रहा था, मगर मैंने ही उसे मना कर दिया कि आप बहुत गुस्से में होंगी। बहुत अच्छा किया तो उसको लेकर नहीं आई, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होता। सादिया छोड़ो गुस्सा, जाने तो खत्म करो ये बात। नहीं अब्बू, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। क्या सोच के सज्जाद ने नौशी को तलाक की धमकी दी है, मतलब हम डर जाएंगे? नहीं नहीं बेटा, उसका वो मतलब थोड़ी था, वो तो पता नहीं किस गुस्से में उसने फजूल मैसेज कर दिया। मैं ऐसा थोड़ी होने दूंगी। बस भाभी आप मेरे साथ मेरी बहू को रवाना कर देना। अब गुस्सा हमें भी है, जब तक सज्जाद यहाँ आके हमसे माफी नहीं मांगेगा नौशी नहीं जाएगी। हाँ 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 बिल्कुल, लाऊंगी मैं उसे, आप देख लीजिएगा सबसे माफी मांगेगा वो। मैं कल ही लाती हूँ उसको। तो बस ठीक है, जब वो आएगा तभी बात होगी उसके सामने। अभी तुम जैतून जाओ, खुदा हाफिज। बेवकूफ बनाने के लिए हम ही रह गए। जुहेब, बेटा यहां क्यों लेटे हुए हो? इज एवरीथिंग ओके बेटा? जी एक्चुअली मैम, बस स्टडी में काम कर रहा था, करते करते लेट हो गया, तो सोचा खामखा कहां यू नो कमरे में जाके अर्शी को तंग करूंगा, सो जस्ट गॉट हियर। आप मम्मी को सच क्यों नहीं बताते? क्या आपने रूम में आने से इनकार कर दिया था और मेरे साथ रूडली बात भी की थी? ये तुम दोनों के दरमियान में चल क्या रहा है? जस्ट इग्नोर हर मामा, आपको उसकी आदत का पता तो है, खामखा छोटी छोटी बातों को उठा के इशू बना लेती है। यूं कहे ना, आपको मैं अच्छी नहीं लगती, जबरदस्ती का रिश्ता निभा रहे हैं आप। अर्शीन जस्ट शट अप। मेरा बोलना भी आपको बुरा लगता है, मेरा वजूद भी नागवार है, मैं यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों चाइल्डिश बिहेव कर रहे हो? जुहेब व्हाट इज दिस? जाओ जाके देखो बेटा, वो रो रही होगी। ऑनेस्टली मॉम, आई डोंट केयर, मैं थक चुका हूं, मैं स्टडी में सोने जा रहा हूं। जुहेब, तुम्हारे आते ही तीर की तरह सीधा हो गया है, मेरी तो कोई बात नहीं सुनता। ये नया मोबाइल दिलाने का वादा किया है इससे, तब जाके माना है। मेरे सब फ्रेंड्स के पास स्मार्टफोन्स हैं, वो भी महंगे, और मेरे पास ये फटीचर सा फोन है। अच्छा बस बहन ने वादा कर दिया ना तो दिला देगी। सुनो, इसके एडमिशन के बाद तुम जरा बैंक चली जाना। बैंक क्यों जाना अम्मी? आज पहली तारीख है ना, सैलरी निकालनी है। ओ हाँ, मैं अपना फोन चेक करना भूल गई। और अम्मी बैंक जाने की जरूरत नहीं है, एटीएम है मेरे पास, मैं निकलवा लूंगी एटीएम। जो भी है जाके बैंक से पैसे निकलवा लेना, क्योंकि मेरे पास अब पैसे बिल्कुल भी नहीं है। सारा पैसा तुम दोनों बहनों की शादी में लग गया है। चले हमें देहान से लेके जाना बहन को, और मोटरसाइकिल आहिस्ते चलाना, गिराना देना। अच्छा अच्छा पता है, चले यार आप ही। ये कल से नौशी नजर नहीं आई, कहाँ है? वो तो रात भाईजन की तरफ ही रुक गई थी। और तुम्हारा निकम्मा बरखुदार उठा के नहीं? उठ जाएगा, उसने कौन सा काम पे जाना है? देर तो आपको हो रही है, चाय पिए और जाएं आप। उसके लिए एक नौकरी का बंदोबस्त किया है मैंने, दफ्तर में एक आसामी निकली थी सीनियर क्लर्क की, साहब से मैंने बात कर ली है, दोपहर को उसको भेज देना।
जी अच्छा कह दो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मम्मी क्या फरमा रहे थे अब्बा हुजूर? तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढी है उन्होंने, दोपहर में दफ्तर चले जाना उनके। या अल्लाह फिर नौकरी। मुझे बताइए सुबह सुबह इतनी डरावनी शक्ल क्यों बनाई हुई है आपने? दिल तो मेरा चाह रहा है ना रात से कि तुम्हारा मैं मुंह तोड़। तुम्हें पता है किस कदर जिल्लत उठाई है मैंने तुम्हारी वजह से भाईजन के सामने, और भाभी की बातें अलग सुनी है। ये सारी राम कहानी ना आप कई बार रात को दोहरा चुकी है, और ये मेरे हाथ है अम्मी जी, प्लीज सुबह सुबह मेरा रिपीट टेलीकास्ट सुनने का ना कोई मूड नहीं। वैसे किस कदर बेहिस हो गए हो ना तुम सज्जाद, तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम्हारी वजह से मैं कितनी बातें सुन रही हूँ लोगों की? मैंने कहा था ना आपको मेरे तरीके से चलने थे मुझे, लेकिन नहीं, सास होने के बावजूद सहेली बनने का ना भूत सवार है आपके सर के ऊपर। बकवास बंद करो और चुपचाप नाश्ता करके मेरे साथ चलो नौशी के घर, और खबरदार अगर वहां कोई ऐसी वैसी बात की तुमने तो। याद है याद है, कल रात 2600 बार ना यही बात दोहराई है आपने, और इस घर का सड़ा हुआ नाश्ता ना मैंने नहीं करना। पैसे दे पहलवान की लस्सी पी कराता हूँ जरा। ओहो घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बुनाने, कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, जो घर में बना चुपचाप वो खाओ, और नहीं खाना तो भूखे मरो। वफा कर चले। Anyway, किधर है मैडम जी? लेने आया हूं मैं। सच? ये तो नौशीन और सज्जाद है। सज्जाद? वफा कर चले।